Yes, morning students. How you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel, The Hope 706. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी students, आज के lecture के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ. Students, जैसा कि आपको पता है कि हम MA की series भी कर रहे हैं, MA English के part 1 और 2 के lecture बना रहे हैं. इसके साथ साथ चूंकि exam करीब हैं, BSc के students भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा text करते हैं कि ये भी बनाएं. तो इसमें हम लेक्चर नंबर 6 जो है, क्योंकि 5 लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके थे, तो लेक्चर नंबर 6 पे हम पहुंच गए थे. तो लेक्चर नंबर 6 जो है बर्नार्ड रसल का एक ऐसे बड़ा फेमस, उस पे आज हम बात करेंगे. उसके इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसके जो थीम है उस पे हम बात करेंगे. तो आज का जो लेक्चर है वो हम आगाज करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट यू नो द राइटर. चूंकि किसी भी ऐसे का, स्टोरी का, नॉवल का राइटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसने किस इरा में किस तरह लिखा होता है, इस पे हम बात करते हैं. बर्नार्ड रसल जो है स्टूडेंट्स, वो जैसा कि आपको पता है कि ही वाज एन अर्ल ऑफ इंग्लिश फैमिली एंड ही बिलोंग टू एरिस्टोक्रेसी फैमिली. और आपको पता है कि ही वाज अ स्कॉलर, ही वाज अ पोएट, ही वाज अ फिलोसोफर, यू नो ही वाज यू नो ब्रिलियंट. और उसके पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज थी. तो उसने जब ये लिखा, ऐसे लिखा, और व्हेन ही वाज यू नो बोर्न इन 1872 एंड डाइड इन 1970 एट द एज ऑफ 88. स्टूडेंट्स, द प्लेस ऑफ साइंस इन अ लिबरल एजुकेशन, के साइंस जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो 19th सेंचुरी का इरा था वो एज ऑफ रीजन थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, साइंस का जो टाइम था, तो सब बड़ी तेजी से जो लोग चीजें बदल रही थी, इन्वेंशन हो रही थी. तो जो बर्नार्ड रसल है, ही वाज आल्सो मैथमेटिशियन, तो इसने भी अपना जो है वो वर्क लिखा और इस पे बात की. तो इसमें इसने डिफरेंशिएट बताया है क्लासिकल एजुकेशन का, आर्ट का और साइंस का. तो यहाँ पे इसका जो मेन थीम है इस ऐसे का, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या है. इसका जो थीम है मेन, जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, अ लिबरल एजुकेशन इज ऑब्टेन्ड, हासिल की जा सकती है थ्रू, किसके जरिए, अ लिटररी एजुकेशन एंड एन एजुकेशन बेस्ड ऑन साइंस. लिटररी एजुकेशन भी हो और बेस किस पे करती हो, साइंस पे बेस करती हो. अब इसके जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स क्लासिकल एजुकेशन की बात हुई है और साइंटिफिक एजुकेशन की बात हुई है, तो हमने दोनों के जो पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके. दोनों का डिफरेंशिएट भी हो सकता है, आप इसको क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं. तो क्लासिकल एजुकेशन की सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हुए हैं. तो क्लासिकल एजुकेशन जो है उसकी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि क्लासिकल एजुकेशन जो हमारा जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, उसकी वो बात कर रहा है. इट डील्स विद द पास्ट. क्लासिकल एजुकेशन पास्ट के साथ डील करता है. इट मेक्स अस क्रिटिसाइज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और क्या करता है जी, इट ग्लोरीफाइज पास्ट एंड इट्स लर्निंग. कि हर वक्त पास्ट में ये हो गया, पास्ट में हो गया, इसको ग्लोरीफाई करता रहता है, इसके बारे में बात करता रहता है. आपको पता है क्लासिकल एजुकेशन में हम जब पढ़ते हैं तो मोनार्किस डिफरेंट पढ़ते हैं. मोनार्किस सिस्टम था तब, तो रोमन जो एम्पायर उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम ग्रीक एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसी तरह चलते चलते हम आगे रेनेसांस से ऑनवर्ड, तो इसी की बात कर रहे हैं. और इसके बाद कहते हैं कि इट लव्स एंड एडमायर्स पास्ट राइटर, नॉवल्स एंड पोएट्स. कि पास्ट में जो लोग थे उन्होंने ये लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हमेशा लिटरेचर माजी की बात करता है, क्रिटिसाइज करता रहता है प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी. द प्रेजेंट डे नॉवल, पोएट्री एंड ड्रामा हैव देयर रूट्स इन द पास्ट लिटरेरी ट्रेडिशन. उनके रूट्स जो हैं, जो आज भी लिखते हैं लोग, उनके रूट्स वहीं से मिलते हैं, ट्रेडिशनली लोग वहीं से चीजें लेके आते हैं. ये तो हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास क्लासिकल एजुकेशन की बात. हम साइंटिफिक तरीके से जो प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन है, चूंकि रसल ने इसको बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया और उसने जो बताया है, हम जिस तरह मूव कर रहे हैं वो देखते हैं. साइंटिफिक एजुकेशन जो है वो इज टोटली बेस्ड ऑन द हैबिट ऑफ माइंड. हैबिट ऑफ माइंड, क्या आप किस तरह हैबिट जो है वो आपकी क्या है. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स वो बात करता है, इसके अंदर आगे फर्दर तीन पॉइंट्स मैंने बनाए हैं. नंबर वन, इन साइंटिफिक एजुकेशन वी यूज द मेथड ऑफ मेजरमेंट. हम मेजरमेंट करते हैं किसी चीज की, कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं. नंबर टू है, अ साइंस डज नॉट डील विद द विद हिज ओन डिजायर्स एंड एंबिशन. अपने ही एंबिशन, अपने ही आइडियाज, इनको नहीं डील करता वो, कि हमारे दिल ये करता है, हमारी वाइफ ये करती है, क्योंकि लिटरेचर में ऐसा ही होता है.
कि आपका जिस पे चीज पे दिल चाह रहा है, जिसके बारे में जो आपने आर्ग्यू किया, ओपिनियन दी, वो आपने दे दी। इसमें ऐसा नहीं होता। ही इज डिटैच इन हिज वर्क, वो अपने वर्क के साथ बहुत ज्यादा डिटैच होता है। नंबर थ्री पे आर साइंटिस्ट ऑब्जर्व फैक्ट, बेसिकली फैक्ट को ऑब्जर्व करता है लाइफ ऑब्जेक्टिवली एंड ड्रॉज कंक्लूजन फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट एंड ही एक्सपेरिमेंट्स इन अ लेबोरेटरी। और तमाम जो शवाहद हैं हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद उसके हाइपोथेसिस पे प्रेडिक्शंस पे यकीन नहीं करता, वो तमाम जो है वो सैंपल लेता है, फिर उसके बाद उसकी जो है ऑब्जर्व करता है चीजों को, बड़ा कीन ऑब्जर्व बनता है, फिर उसके बाद उसको जो है वो एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट करता है लेबोरेटरी में। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर वो कंक्लूजन अपना जो नतीजा देता है। यहाँ पे चूंकि लास्ट पे टू कंक्लूड टू सम अप दिस ऐसे वी कैन से दैट लिबरल यू नो साइंस हैज मच वैल्यू रादर देन लिबरल यू नो रादर देन क्लासिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे रसल ने जो अपना व्यू दिया है, अकॉर्डिंग टू रसल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द एजुकेशन ऑफ साइंस, ये साइंस की ही एजुकेशन है, विच कैन फॉर्म जो कर सकती है, हमें फॉर्म कर सकती है मेंटल हैबिट एंड आउटलुक ऑन लाइफ इन अस, और एंड आउटलुक ऑन लाइफ इन अस हमारे अंदर जो सीखने का समझने का जो बेहतर नजरिया है, वो कहते हैं कि साइंस जो है वो हमें हमें उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को इन्वेंट करती है और हमें इसी के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आई होप सो स्टूडेंट्स यू रियली एंजॉय माई यू नो टूडेज लेक्चर एज वेल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस यू नो लेक्चर, यू पीपल यू नो पुट योर क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच।